हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो हम लोग निकल गए हैं अपनी आज की डेस्टिनेशन में जाने के लिए। तो हम लोग आज जा रहे हैं होयान। होयान बहुत ही खूबसूरत एक फेमस टाउन है वियतनाम का, तो आज हम वो एक्सप्लोर करेंगे। प्लस हम लोग ने ब्रेकफास्ट अभी किया नहीं है, तो हम अपने बीच में एक बीच आता है, बहुत ही फेमस बीच है वो भी, और बहुत ही क्लीन बीच है वो। तो वहाँ पे एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है सोल किचन, तो हम लोग पहले वहाँ जाएंगे और मैं वहाँ से फिर आपको दिखाती हूँ कि वो बीच कितना सुंदर है। सो गाइज, हम लोग पहुंच गए हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन में, बट सोल किचन बंद था कोरोना वायरस की वजह से, वो उन्होंने अपनी किचन पूरी बंद कर रखी है। तो हम लोग आ गए हैं अब दूसरी जगह, और हमने खाने में क्या क्या ऑर्डर किया है। एक्चुअली हमारा ब्रंच चाहिए, ब्रेकफास्ट लंच हम साथ में ही कर रहे हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या ऑर्डर किया है। तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है स्पेगेटी आलियो ए ओलियो, मेरे भाई का है पेने पास्ता, एक पिज्ज़ा जो हम दोनों शेयर करेंगे, और फिर मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है मैंगो स्मूदी, मेरे भाई का भी सेम वही ऑर्डर है। ये बीच एक्चुअली बहुत खूबसूरत बीच है, और ये वाइट सैंड बीच है। तो लास्ट टाइम भी मैं अपने बर्थडे पे शिखर के साथ यहाँ पे आई थी, तो बहुत स्पेशल है मेरे लिए ये जगह। और एक बार हम ब्रंच कर लें, फिर आपको मैं अच्छे से दिखाती हूँ ये बीच। तो इस रेस्टोरेंट का नाम था लूना दी अटनो, और हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं होयान एंशिएंट टाउन की तरफ। सो गाइस, हम लोग होयान पहुँच गए हैं, और होयान एक एंशिएंट टाउन है, और इसके अंदर मोटर बाइक्स या कार चलाना अलाउड नहीं है। जो सिटी है वहाँ पे आप चला सकते हो, बट जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पे पूरा अलाउ नहीं है, सिर्फ आप साइकिलिंग कर सकते हो यहाँ पे। और हम पहुँच गए हमारे फर्स्ट स्टॉप पे, जो कि ये जस्ट मेरे पीछे, ये है द बामू टेम्पल गेट, जिसको थ्री एंट्रेंस गेट भी कहते हैं। यहाँ से बामू टेम्पल कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं, जो कि 1626 में बना था। अनफॉर्चुनेटली हमें आने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए अब हम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। तो इस एंशिएंट टाउन में आपको ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग का कलर येलो कलर का ही दिखेगा, और यहाँ पे बहुत सारी टेलर शॉप है, और शूज़ या बेल्ट अगर आप में से किसी को शॉपिंग करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्योर लेदर मिलता है। और आप लोगों ने बहुत सारे फेसबुक में कुछ पोस्ट तो पढ़े ही होंगे कि यहाँ पे वियतनाम में लोग क्रोकोडाइल बहुत मारते हैं, और उसकी स्किन से शूज़ और बेल्ट बनाते हैं। तो अगर आप लोग वीगन है तो मत लीजिएगा। तो ये मेरे पीछे चाइनीज टेम्पल, और ये हमारा सेकंड स्टॉप है, बट क्योंकि टूरिस्ट अभी बहुत कम है तो इन्होंने ये बंद कर दिया है। तो होयान अपने लैंटर्न के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और आपने शायद अगर मेरी इंस्टा पिक देखी होगी लास्ट ईयर की, तो आपने नोटिस किया होगा ये सेम लैंटर्न। तो मैं लास्ट ईयर भी यहाँ पे मैं आई थी शिखर के साथ, और अब इस बार आई हूँ मैं अपने भाई के साथ। तो अब जैसे जैसे शाम होती जाएगी ये लैंटर्न और ज़्यादा कलरफुल और लाइट अप हो जाएगी, तो बहुत ही सुंदर लगेगा उसके बाद।
तो ये है मेरे पीछे थूबॉन रिवर, और आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे इंस्टा में फॉलो करते हैं उन्होंने एक पिक देखी होगी मेरी इस रिवर पे। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टा में फॉलो नहीं करते हो तो गाइज़ प्लीज़ डू फॉलो मी, माई हैंडल इज़ ट्रैवल पब्लिश। और अब मैं आपको ले जाऊँगी होयान के सबसे आइकॉनिक लोकेशन पे। तो गाइज़ ये है मेरे पीछे होयान की सबसे आइकॉनिक लोकेशन, जापानीज़ ब्रिज, जो कि 18 सेंचुरी में जापानीज़ ने बनाया था टू लिंक विद चाइनीज़ क्वार्टर्स। मैं आपको इस ब्रिज के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ। तो जब इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी उस टाइम था ईयर ऑफ मंकी, और जब इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन फिनिश हुई थी तो उस टाइम था ईयर ऑफ डॉग। इसलिए इस ब्रिज के स्टार्टिंग और एंड में आपको उन दोनों के स्कल्पचर्स दिखाई देंगे। और अगर अभी तक आप लोगों को चाइनीज़ ज़ोडियाक के बारे में नहीं पता है तो यू कैन गो एंड वॉच माई चाइनीज़ न्यू ईयर वीडियो, लिंक ऊपर शो कर रहा है। तो अब इस ब्रिज के अंदर जो पगोडा है हम वो विजिट कर रहे हैं, तो आपको भी मैं दिखाती हूँ कि कैसा है वो पगोडा। मैं पगोडा के अंदर नहीं जा रही हूँ क्योंकि उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना है, और चाइनीज़ भगवान के बारे में मुझे इतना कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है और ना ही जापानीज़ भगवान के बारे में कुछ पता है। तो मैं अब यहीं से वापस लौट रही हूँ। तो होयान में एज़ कम्पेयर टू दानांग काफ़ी सस्ती मसाज है, वियतनामीज़ मसाज भी बहुत फेमस है। प्लस यहाँ पे अगर आप लोग नेल आर्ट या ऐसा कुछ करवाना चाहते हो तो इंडिया के हिसाब से मैंने जो करवाया है वो मुझे सिर्फ 700 का पड़ा है। इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव है अभी भी, 1000 2000 3000 ऐसे के नेल आर्ट होते हैं। तो जो मैंने कराया है वो ये है, शो कर रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। और ये मुझे सिर्फ 700 का पड़ा है। लास्ट टाइम जो मैंने सिंगापुर से करवाया था वो मेरा चला था ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, तो लेट्स सी कि ये वाला कितने टाइम तक का चलता है। और अब हम यहाँ की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि बहुत सुंदर लगने लग गया अभी से, सब कुछ लाइट अप हो चुका है। तो अगर आप लोगों को बोट राइड करने का मन हो तो आप यहाँ पे बोट राइड कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने किया था इसलिए मैं इस बार नहीं करूँगी। और 15 मिनट्स का आपको पे करना पड़ेगा 150K, ये मैं आपको वियतनामीज़ डोंग में बता रही हूँ। और 20 मिनट्स का है 200K वियतनामीज़ डोंग। तो इस टाउन में वॉक करते करते मुझे बिल्कुल दिवाली वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि हर जगह लाइट अप हो रखा है। प्लस यहाँ पे बहुत यूनिक चीज़ें आप खरीद सकते हो अपने घर के लिए। और मैं आपको एक और सजेशन देना चाहती हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमने सिर्फ डे विज़िट किया था, तो हमें काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि आप एटलीस्ट एक दिन वहाँ पर जाके रुको। तो हमें लास्ट टाइम आते आते भी काफ़ी शाम हो गई थी और हमारे होटल में हमें सजेस्ट किया था कि आप शाम को ही विज़िट करना। तो इस बार मैं और मेरा भाई काफ़ी जल्दी आ गए थे यहाँ, मॉर्निंग में ही पहुँच गए थे और मॉर्निंग से आसपास का एरिया पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे। तो अगर आप लोग यहाँ पे स्टे करना चाहते हो तो मैं आपको एक और बात बता दूँ, दिन में ये टाउन ऑलमोस्ट बंद रहता है, उतना हैपनिंग और उतना वाइब्रेंट नहीं रहता जितना ये रात को रहता है। तो जो फॉरनर्स यहाँ पे स्टे करते हैं वो लोग मोस्टली बीच के लिए करते हैं क्योंकि यहाँ से बीच बहुत पास है, तो उनको दानांग से वरना आना पड़ता है, तो इसलिए वो यहीं पे स्टे करते हैं। और होम स्टे यहाँ पे बहुत सारे हैं, अगर आप लोग भी होम स्टे करना चाहो तो आपको काफ़ी सारे होम स्टे मिल जाएंगे यहाँ पे, तो आप रह सकते हो। तो हम इनका कुछ लोकल स्ट्रीट फूड ट्राई करने वाले हैं और बनाना पैनकेक कुछ वियतनामी स्टाइल का।
तो गाइज अगर आप लोग होयान आते हो तो मैं आपको 5 मेरी रिकमेंडेशन दूंगी कि आप वो ज़रूर करो। तो सबसे फर्स्ट आप बोट टूर करो। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो और अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स ट्रैवल करते हैं तो सबसे बेस्ट वे है होयान टाउन को एक्सप्लोर करना इज़ बाई बोट। आप बस बोट में बैठ जाओ और आप पूरा टाउन एक्सप्लोर कर पाओगे। नंबर सेकेंड, अगर आप लोग कपल हो या फिर अगर आप लोग यंगस्टर्स हो तो आप लोग साइकिलिंग टूर कर सकते हो। साइकिलिंग करके भी बहुत बेस्ट तरीका है इस टाउन को एक्सप्लोर करने का। नंबर थर्ड, अगर आप लोग शॉपिंग में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से आप काफ़ी कुछ शॉपिंग कर सकते हो। जैसे कि फॉर गाइस, आप लोग यहाँ पे सूट सिला सकते हो। यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट और चीप तो नहीं कहूँगी बट अफोर्डेबल सूट आप ले सकते हो। सूट मतलब वो प्रॉपर टैक्सीडो और जो आप लोग पहनते हो शादी में या पार्टीज़ में या फिर ऑफिसेस में, तो बहुत अफोर्डेबल रेट में मिल जाता है। फॉर गर्ल्स यहाँ पे हैंडबैग्स बहुत सस्ते मिलते हैं, जो आपने बहुत सारे फॉरेनर्स को देखा होगा बाली में या फिर होयान में, वियतनाम में, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में जो बैग मिलते हैं वो यहाँ पे बहुत सस्ते मिलते हैं। नंबर फोर्थ इज़ बीच। तो होयान में सिर्फ एंशंट टाउन नहीं है, आप बीच भी यहाँ के एक्सप्लोर कर सकते हो और बहुत ही खूबसूरत बीच है यहाँ पे। और नंबर फिफ्थ इज़, आपको मैं पूरा एक प्रॉपर टूर दूंगी बट अगर आप लोग के पास सिर्फ दारांग आने का टाइम है तो आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की कॉफ़ी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि कोकोनट कॉफ़ी, एग कॉफ़ी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई करने को मिलेंगे जो कि साउथ ईस्ट एशिया में हार्डली कहीं और मिलेगा आपको, और बहुत ही यूनिक और बहुत ही नया फ्लेवर होगा आपके लिए भी। वो मैं आपके लिए पूरा एक डिटेल कॉफ़ी वीडियो बनाऊंगी हनोई का, तो अगर आप लोग मुझे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ डू फॉलो मी। आपको मेरी फ्यूचर कमिंग वीडियोज़ में वो देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अब मैं आपको होयान की नाइट मार्केट दिखाती हूँ। तो आपको मैं इन बैग्स के बारे में बता रही थी। और अगर आप लोग स्ट्रीट फूड खाने में इंटरेस्टेड हो तो आपको यहाँ पे बहुत वैरायटी के स्ट्रीट फूड मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है सिर्फ नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये फर्स्ट स्टॉल है वेजिटेरियन पिज्ज़ा का। सेकेंड, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्राई किया था, बनाना बैन केक, ये लोग इसको बैन केक बोलते हैं। फिर उसके बाद ये है कुछ कॉर्न का स्टॉल, जैसे हमारे यहाँ हम स्वीट कॉर्न खाते हैं उस टाइप का कुछ है। और अगर आप नॉन वेज खाते हो और कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, जैसे कि ऑक्टोपस, चिकन, और मुझे आज ये कुछ नया दिख रहा है फ्रॉग, जूम इन करके दिखाती हूँ आपको। तो एक्चुअली ये स्ट्रीट पूरी स्ट्रीट फूड से भरी हुई है, सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम। मैं अब यहाँ से ट्राई करने वाली हूँ वेजिटेरियन पिज्ज़ा, जो जिसका बेस होता है राइस पेपर। हमें ड्राइव करके वापस 40 किलोमीटर दानांग जाना था, जहाँ पे हमारा होटल था। हमने इस एंशिएंट टाउन को बाय बोला और सीधे कार पार्क की तरफ गए, जहाँ पे हमने अपनी स्कूटी पार्क करी थी। आई होप गाइज आपने आज का वीडियो एंजॉय किया। अगर एंजॉय किया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।